नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं मैथमेटिक्स के क्लास 12th के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। उसी के अगले क्रम में हमारा एक दूसरा वीडियो है जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 6 तक होगा, और इसमें भी हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। महत्वपूर्ण बताने का आशय है कि ऐसे प्रश्न आपको बताए जाएंगे जिनको कर लेने के पश्चात आपके अंदर दूसरे प्रश्नों को हल करने की योग्यता भी हासिल हो जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ शुरुआत से देखते हैं। कुछ सही विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप स्वयं देखना है, कोई विशेष कठिन नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स की हम बात यहाँ इसलिए नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्टिव बदले भी जा सकते हैं जो आप बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं उसके आधार पर। आइए इसी के प्रश्न यहाँ पे बहुत सरल, जैसे मैं बता देता हूँ हल करके आपको। इसे ये दिया है, इसमें x का मान पूछा गया है, तो इसमें x यानी 3x इधर क्या है 8 है, तो 3x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/3। इस तरह से सिंपल से हैं, मुझे इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके बाद आइए इस चैप्टर में यूनिट चैप्टर नंबर 4 में 4-5 प्रश्न आप जो है यहाँ एक कर लेते हैं तो 4 या 5 नंबर का एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए देखिए, ये एक प्रश्न आप बिल्कुल कंफर्म कर ही लें इसको, 1-2 इनमें से नहीं है। इसके बाद में आपका 5वां भी है, 6ठा भी है, ये एक जैसे ही हैं। आपको कुछ मैट्रिक्स के रूल्स रेगुलेशन से उनको फॉलो करना है। उसके बाद में आपका ये 7वां है, 7वां प्रश्न आप यदि कर लेते हैं तो ये 7वां, और उसी के अगले क्रम में आपको 8वां नहीं करने का है, 1-9वां। तो ये 9वां प्रश्न, ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपके 4 या 5 अंक जो प्रश्न आता है वो बिल्कुल कन्फर्म है। उसके बाद चलिए चैप्टर नंबर 7 पर, चैप्टर नंबर फाइव में क्या लिखा गया है। चैप्टर नंबर जो 5 है वो शांतता एवं अवकलनीयता से संबंधित है। तो शांतता और अवकलनीयता में विद्यार्थियों को जनरली कठिनाई महसूस होती है, तो देखिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस करना है। एक शब्द एक वाक्य वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सीधे सीधे हैं, बेसिक फार्मूले पे आधारित पूछे गए हैं और कहीं डिफ्रेंशिएशन पूछे गए हैं। और उसके बाद आइए इसमें आपको मैं फिर भी बता दूँ इसमें 1 नंबर वाले भी कि इसमें स्पेशली कौन से कर लेना है। ये तीनों ही सिंपल से ही हैं। उसके बाद में दीर्घ अति लघुत्तरी में हम चलते हैं, तो अति लघुत्तरी में आपको 8वां प्रश्न है, 7वां है, 8वां है और एक ये 10वां है आपको कर लेने का है। उसके बाद में निबंधात्मक में आपको जो है प्रश्न उसमें से आपको 3रा करना है, और उसके बाद इधर ये जो 5वां है के मान वाला ये आपको करना है। उसके बाद इससे आपको कोई प्रश्न नहीं करने का। उसके बाद चलिए चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें निम्नलिखित कथनों को सत्य असत्य भी आ सकते हैं कि कहाँ वर्तमान है कहाँ आसमान है। जनरली एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि साइन एक्स कोस एक्स का जो है उच्चिष्ट मान क्या है, √2 है। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या होता है, तो इस तरह का जो प्रश्न आता है तो उसका मान निकालना मैं बता देता हूँ। जैसे ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स का जब भी आपसे मान पूछा जाए उच्चतम या न्यूनतम, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ए और बी जो गुणांक रहते हैं उनसे आपको मतलब रहता है, इसका निकालेंगे सीधा √a² + b²। यदि प्लस है तो ये अधिकतम मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा, और माइनस में लिख देंगे इसको तो क्या रहेगा, न्यूनतम मान रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक यहाँ लिख देते हैं, दे दिया 3 साइन एक्स
प्लस फोर कोस एक्स का अधिकतम मान कितना होगा, तो हमें ए के रूप में तीन है और बी के रूप में चार है, तो यहाँ क्या कर देंगे, तीन का वर्ग और चार का वर्ग, और ये नौ और सोलह और ये पच्चीस, यानी कि कितना निकल आएगा, पाँच। यदि प्लस का पाँच है तो उच्चतम मान और माइनस का पाँच है तो न्यूनतम मान। देखिए वैसे मुझे हल करके आपको नहीं बताना है क्योंकि हल करूँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, इसलिए आप सिर्फ देख लीजिए, इसमें आपको डेफिनेटली इस तरह के जो प्रश्न है कर लेना है। स्पेस पर रेखा की प्रवणता 11 है, कुछ नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन करना, उसमें एक्स इक्वल टू रख देना है तो वो वैल्यू निकल आएगी। चलिए एक सत्य सत्य में है कुछ, तो आप देख सकते हैं हल करके ने। इसके बाद में आपको अन्य प्रश्न मैं ले चलता हूँ सीधे दीर्घोत्तरी प्रश्न पर, जिनमें आपको कौन से आपको हल करना है बता देता हूँ। इसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न में, सॉरी लघुत्तरी प्रश्न है यहाँ पर, ये एक पहला कर लेना है और एक तीसरा, इसके अतिरिक्त इस चैप्टर से आपको पांचवा कर लेने का है, पांचवा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में छठवा भी आप कर सकते हैं और उसके बाद में नौवा और दसवा, आठवा नहीं करने का, नौवा और दसवा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, एक ग्यारहवा भी आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, ग्यारहवा भी आप देख सकते हैं। एक घन के आयतन में परिवर्तन दर ये है, दर से बढ़ रहा है, तो इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। अब इस तरह का भी आता है, गुब्बारे की त्रिज्या इस दर से बढ़ रही, तो उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। इसी में ये सोलवा उसी तरह का एक प्रश्न है जो आप आसानी से हल कर सकते हैं, चौदवा भी कर लेना। ये इस वीडियो में हम केवल इन तीन यूनिट के आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, साथ ही हर प्रश्न वाले को आप जब चैप्टर के सवाल करें तो उससे पहले महत्वपूर्ण फार्मूले को यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। जनरली पुस्तकों में बहुत सारे प्रश्न दिए होते हैं, वो केवल आपके अभ्यास के लिए होते हैं, यदि आप उनमें से उनके बेसिक थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आपके सवाल कितने ही हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।